अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंसेप्ट की दुनिया में मैं सब अपने स्टूडेंट को व्यूअर को खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज के लेक्चर ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो उसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ पे भी इन्फॉर्मेशन आ गई है। वैसे भी जो हमारे वज़ीर है शफकत महमूद, उसने भी ये ऐलान किया था कि 1 जून तक तो कोई पेपर ही नहीं होंगे। बाकी कुछ बातें हैं जो कि ये न्यूज़ में आप देख भी रहे हो, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें एक तो उन्होंने बताया कि 1 जून से 13 अगस्त तक स्कूल जो लगाएंगे वो ना, स्कूल का जो टाइम होगा वो होगा इनकी 7 से 11 बजे तक होगा और बीच में कोई ब्रेक नहीं होगी। ये शेड्यूल है तमाम स्कूलों का, ये जो 1 क्लास है, 2 क्लास है, ये गवर्नमेंट के स्कूल, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सब का यही है, एक ही है। उसके बाद ये आपने लिखा हुआ है, लेकिन 14 अगस्त के बाद, 14 अगस्त के बाद जो स्कूल टाइमिंग होगा वो रूटीन के मुताबिक होगा, यानी कि जैसे रूटीन होती है 7 बजे 8 बजे स्कूल लगता है, 2 बजे तक 1:30 बजे तक स्कूल लगता है, वही रूटीन हो जाएगी। और पेपरों के हवाले में मैं आप लोगों को बताऊं, पेपर जो हैं स्टूडेंट 1 से लेकर 7 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके कोई पेपर नहीं होंगे, उनको बगैर पेपरों के पास किया जाएगा, यानी कि अगली क्लास में बिठा दिया जाएगा। 8th का तो पेपर हो गए थे, उनका रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये डेट उस तक आ जाएगा, आप देख सकते हैं 31 मार्च को सुनाया जाएगा 8th क्लास का रिज़ल्ट। बाकी रावलपिंडी के जितना भी स्कूल हैं ये उनमें जो छुट्टियां होंगी 1 जून से लेकर, सॉरी छुट्टियां जो होंगी 1 जून से 13 अगस्त तक, स्कूल आपको लिखा हुआ है 7 से 11 बजे तक असम्बली के बगैर होगा। और पेपरों की बात की जाए तो ये जो 10th क्लास के पेपर हैं या 9th क्लास के जो पेपर हैं, 10th क्लास के क्योंकि पेपर जो पंजाब बोर्ड के हैं वो हो चुके थे, उनके जो प्रैक्टिकल होंगे वो 12 जून से होंगे। बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस हैं वो आपको पता है पेपर ये लिखा हुआ है, जो कुछ इसके सामने आप लोगों के सारा कुछ ये पढ़ सकती हैं उनके मुताबिक ये होंगे, क्योंकि पेपर जो होंगे हमारे 2 जून से, जो फेडरल बोर्ड है चाहे पंजाब बोर्ड है उनके 2 जून से ही पेपर होंगे। 2 जून से पहले कोई पेपर नहीं होगा, 2 जून से पेपर होंगे 6-7 दिन के, जो पेपर 6 उनके बचे हुए हैं, जितना पेपर बचे हुए हैं वो पेपर होंगे। उसके बाद फिर जो होगा उन 10th के जो बचे हुए हैं वो भी 7 होते हैं फेडरल बोर्ड के, तो 7 होंगे 10th के जून से में शुरू होंगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू होंगे, फिर जो ही यानी कि ये पेपर ख़त्म होंगे फिर अगस्त के बाद, ये तो आपको बताया है 4 घंटे का स्कूल लगेगा अगस्त में, जिनकी छुट्टियां ये हैं जो उन्होंने दी हैं गर्मियों की, वो यही छुट्टियां हैं उन्होंने जो 2 महीने दी हैं, आगे वो मज़ीद छुट्टियां नहीं देंगे, उनमें क्लासेस लगी रहेंगी। बाकी जो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के 9th-10th के, उनके जो पेपर हैं फ़िलहाल तक उन्होंने जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक या जो न्यूज़ के मुताबिक या जो हमारे वज़ीर है तलीम है उसने साफ़ ही कह दिया कि जून में ही हम पेपर लेंगे, तकरीबन 99% चांसेस हैं कि जून से पहले पेपर नहीं होंगे किसी भी बोर्ड के, चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, जितना भी है स्टूडेंट। बाकी ये जो शेड्यूल है आप लोगों ने सारा नज़र आ रहा है, आप लोग पढ़ सकती हैं, इसके मुताबिक आप लोगों ने स्टूडेंट चलना है। इसके अलावा भी कोई मसला हो या कोई पेपर के हवाले से या प्रैक्टिकल के हवाले से या किसी और भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।